सिकाडा मार्केट के बिल्कुल साथ में ही लगी हुई है टैमरिन फेस्टिवल मार्केट इन द गार्डन। ईट मीट, इन्होंने मुझे बताया अभी भी, हाँ वीनस से आया होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा है। ये जो जो इस जिनसे मैंने लिया है ना, वो बता रहे हैं कि ये रोजेल फ्लावर है और इसको पानी में डिप करके ये लोग रखते हैं। और अब मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ सिकाडा फूड मार्केट में। ये एंटर करते ही यहाँ पे है एक कूपन बॉक्स, यहाँ से आप अपनी चॉइस के कूपन्स खरीद सकते हैं जो कि 100 baht से वैल्यू स्टार्ट होती है और उसके आगे आपको जितने लेने हैं आप उतने के ले सकते हो। और ये है सारे के सारे फूड काउंटर्स। जहाँ पे हमें फ्राइड चिकन, फ्राइड पोर्क, फ्राइड बीफ ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ग्रिल्ड स्क्विड्स। आप खाने की वैरायटी देख के हैरान हो जाएंगे, कितनी वैरायटी है। ये है मॉन्की नूडल्स और फिर से यहाँ पे ढेर सारे स्क्विड की ऑप्शंस, चिकन, बीफ, इन सब की ऑप्शंस। यहाँ पे आपको मिलेगी ड्राफ्ट बियर, वाइन एंड देन ड्रिंक एंड डाइन। हा, अच्छी पोएट्री होगी ना। यहाँ पे भी लाइव काउंटर्स हैं, सारे लाइव काउंटर्स हैं, आपको बस जाना है, अपना खाना पसंद करना है, ऑर्डर करना है और फिर खा लेना है। और उसके लिए ये इतनी सारी सीटिंग ऑप्शंस यहाँ पे लगी हुई है। फिर यहाँ पे मिल रही है पाड थाई, और ये पूरा एरिया SHA+ है। यहाँ पे सारे के सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं जो थाईलैंड में करंटली कोविड को लेके फॉलो होने चाहिए। और ऐसी जगह पे जहाँ पे सारे के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं उसको इन लोगों ने SHA+ कैटेगरी में डाला हुआ है, तो SHA+, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं उसको SHA+। मेरे पीछे जितना भी है ये सब के सब फूड के काउंटर्स हैं, किसका नाम बताऊं और किसका नाम छोड़ूं, मैं आपको सच में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हूँ। इतनी सारी फूड की ऑप्शंस, इतनी फ्रूट की वैरायटी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मार्केट में नहीं देखी। कोकोनट पानी हम पीते हैं और यहाँ पे कोकोनट की आइसक्रीम भी मिल रही है, आप ये देख सकते हो कोकोनट आइसक्रीम यहाँ ठीक मेरे पीछे। और यहाँ पे है फ्रेश कोकोनट वाटर। तो यहाँ पे मैंने एक देखा है हर्बल टी, हर्बल फ्लावर्स के ड्रिंक मिल रहे हैं। दिस वन इज बटरफ्लाई पी विद हनी एंड दिस वन इज रोजेल। ये फ्रेश फ्लावर्स से बने हुए हैं, हर्बल ड्रिंक्स हैं, तो मैं इनको ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने इनसे ये 35 baht का एक ग्लास है, मैंने इनसे बात करी है तो मैं हाफ हाफ करके, क्योंकि मैं पूरा तो पी नहीं सकती, तो मैं इसको ट्राई करके आपको बताती हूँ कैसे है। काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा इसीलिए मैं इसको ट्राई करना चाहती हूँ। तो मैं ये लेके आई हूँ रोजेल, ये यहाँ का एक बहुत ही फेमस फ्लावर है, उसी से बना हुआ है। काफ़ी अच्छा है ये। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक ड्रिंक टेस्ट किया था जब मैं और मिस्टर मेहता बैंकॉक में घूम रहे थे, ये उसी से बना हुआ है, कोई शुगर एडिड नहीं है। अनारदाना का थोड़ा फ्लेवर है, अमेजिंग है। यहाँ की गर्मी को बीट करने के लिए तो इससे अच्छी ऑप्शन हो नहीं सकती थी। और इतना बड़ा ग्लास इन्होंने मुझे 35 baht में दिया है तो ठीक है। ये 35 baht का है, 2 35 अभी वो हाफ और दे रही है तेरे 35। और ये है दूसरा ग्लास बटर पी वाला, ये वाला फ्लेवर तो मुझे लग रहा है कि मैंने टेस्ट किया हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा लेमनी है। और ये वाला फ्लेवर जो है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इन्होंने मुझे बताया अभी अभी, हाँ वीनस से आया होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा है। ये जो जो इस जिनसे मैंने लिया है ना, वो बता रहे हैं कि ये रोजेल फ्लावर है और इसको पानी में डिप, ये जो रोजेल फ्लावर है इसको ये लोग रात भर डिप करते हैं और उसके बाद सुबह उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं, फिर उसका जूस बनता है। वो जूस काफ़ी सार होता है, खट्टा होता है, और उसके बाद उसको ये शुगर डाल के प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर ये यहाँ पे इस मार्केट में आके इसको सेल कर रहे हैं। तो इसको रोजेल फ्लावर का जूस समझ लीजिए आप, बहुत टेस्टी है, एक्चुअली बहुत टेस्टी है। और मैं मिस्टर मेहता को ज़बरदस्ती पिलाऊँगी।
पी के देखेंगे मिस्टर मेहता, पी के बताइए। वो अपने कोकोनट वाटर को इतना अच्छी तरह से रिलिश कर रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है। वो कह रहे हैं लाइफ में मैंने ऐसा कोकोनट वाटर नहीं पिया, मैं तो खींच के पूरा पी चुके हो। हाँ सही में, पर हमने ऐसा सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ में भी पिया, वो भी अच्छा था। और वो कोकोनट के साथ ही कोकोनट वाली मलाई खाने के लिए चम्मच भी देते हैं। हम लोग तो पीते हैं और फेंक देते हैं ना, पर यहाँ पे स्पून देते हैं। सिकाडा मार्केट के बिल्कुल साथ में ही लगी हुई है टैमरिन फेस्टिवल मार्केट इन द गार्डन, ईट मीट शॉप एंड चिल। यहाँ से मैं टैमरिन मार्केट के अंदर एंटर कर रही हूँ। ये फ्राइडे सैटरडे और संडे ही एग्जीबिशन होती है यहाँ पे, मॉर्निंग 7 AM अनटिल 2 PM और फिर इवनिंग में 5 PM ऑनवर्ड्स। तो आइए एंजॉय करते हैं टैमरिन मार्केट और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की शॉपिंग, फूड एंड ड्रिंकिंग ऑप्शंस। तो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में टैमरिन मार्केट के। और अंदर एंटर करते ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है बिकॉज ऑफ द लाइट्स एंड बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। और ये है टैमरिन मार्केट, ईट मीट शॉप चिल। So let's chill together, only our traveling family TV with me Vidhi in Tamarin Market Hua in Thailand. Enter karte hi bahut hi khoobsurat sa food hub bana hua hai. Yahan pe sare log baith ke apna khana enjoy kar rahe hain. Bahut hi proper table chair sab laga hua hai aur yahan pe hai ड्रिंक्स की ऑप्शन एंटर करते ही। ये है यहाँ का मेन्यू। आइसक्रीम्स, फ्रूट्स, स्वीट डिशेस, क्या खुशबू है यहाँ पे, माय गॉड। एक तो इटालियन मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, प्लस इतनी बढ़िया इटालियन की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे वुड फायर पिज़्ज़ा भी बन रहा है, अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और ये है बबल मिल्क टी। और यहाँ पे मिल रहा है रोस्टेड चिकन विद हनी, तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे है बारबेक्यू वैरायटी, 3 sticks for 100 baht एंड 1 for 35 baht। इसमें आप हैम रैप, सॉसेजेस, बीफ, पोक और चिकन किसी की भी ऑप्शन अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज करा सकते हैं। कोरियन फ्राइड चिकन भी मिल रहा है यहाँ पे, हॉट डॉग भी बनवा सकते हैं आप, फ्रेंच फ्राइज, चीज़, फूड की इतनी ऑप्शंस हैं। और इस साइड सारी की सारी फ्रूट्स, पार्टी स्वीट्स, थाईलैंड कुजीन, ग्रिल्ड कोकोनट स्मूदी विद मिल्क, बाप रे बाप, क्लासिक टॉमियम सूप, ये देख सकते हैं आप। ये है थाईलैंड का क्लासिक टॉमियम सूप जिसमें डलती है ढेर सारी थाई बेसिल। ये सारी ऑप्शंस और जो जो हम चाहें वो सब कुछ हमारे हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है। और इसमें बीच में भी मैं मार्केट में आ गई हूँ, तो फूड के अमेजिंग एंड अनलिमिटेड ऑप्शन है, फूड, ड्रिंक्स, कोकोनट आइसक्रीम। और ये है मेरे पीछे टैमरिन बार। शॉपिंग के ऑप्शंस यहाँ पे कम हैं, यहाँ पे फूड की वैरायटी, फूड की ऑप्शंस, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स, अलग अलग स्नैकिंग, मेन कोर्स, सूप, स्वीट डिशेस, ये सब वैरायटी के आपको ऑप्शंस मिल रही हैं यहाँ पे। शॉपिंग के ऑप्शंस मतलब लिमिटेड हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर शॉपिंग में चीज़ें कुछ मिल भी रही हैं तो वो ज़्यादातर क्लोथिंग है। और यहाँ पर है
हर्बल जूस जो मैंने अभी ट्राई किया था. दिस इज़ लोंगन, दिस इज़ रोजेल, दिस इज़ क्रिजेंथेमम, बटरफ्लाई पी एंड पैंडन. और 40 बाट का एक ग्लास मिलेगा यहाँ पे. फिर से ग्रिल्ड स्क्विड्स, स्क्विड्स की तो भरमार है, भरमार यहाँ पे. स्प्रिंग रोल्स, बहुत सारी वैरायटी है. और यहाँ पे दो तीन काउंटर्स हैं जहाँ से आप अपने लिए कुछ क्लोथिंग ले सकते हैं. क्लोथिंग की बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है, मैंने आपको बताया. यहाँ पे फूड की अमेजिंग ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं. बिल्कुल सिकाडा मार्केट के एकदम साथ में ये मार्केट है, टैमरिन मार्केट. 2 मिनट्स की वॉक भी नहीं.